बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूडीज़ वे यूट्यूब चैनल। आज जो मैं अपनी वीडियो में बनाने जा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी और मज़े की रेसिपी है, आपको उम्मीद है कि पसंद आएगी। तो जो मैं आज बनाने जा रही हूँ वो है बनाना ब्रेड केक। तो अगर प्लीज़ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी नई आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आप देखेंगे। तो बनाना ब्रेड केक के लिए जो मुझे चीज़ों की ज़रूरत है वो है, 5 मैंने केले लिए हैं, उनका छिलका उतार लिया है। 2 अंडे लिए हैं, उनको मैंने तोड़ के निकाल लिया है। और 2/3 कप शुगर पाउडर लिया है। वनीला एसेंस लिया है 1/2 टीस्पून। 2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। 2 पिंच के करीब मैंने दालचीनी पाउडर लिया है। 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया है, तो आप यहाँ बटर भी ले सकते हैं। तो 2 पिंच के करीब मैंने लिया है नमक, और मैदा लिया है 2 कप। तो अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैदा पहले ही छान के रख लिया था, तो अब मैंने ऊपर बेकिंग पाउडर और दालचीनी नमक को भी साथ छान लिया, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, अब इसमें केलों को मैश कर लूंगी एक एक करके सारे। ये देखें, केले अच्छी तरह मैश हो गए। तो अब मैं इसको साइड पे रख रही हूँ। ये मैंने सांचा लिया, तो अब इसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लूंगी। ये देखें, सांचा ग्रीस हो गया। तो अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ बटर पेपर। सांचा रेडी हो गया, अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी। अब मैंने ये अंडे बॉल में डाल लिए हैं और बीटर से इसको बीट कर लूंगी अंडों को। ये देखें, अंडे बीट हो गए। अब इसमें मैं डालूंगी शुगर पाउडर। शुगर पाउडर को भी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। अब इनको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह बीट करना है। 3 से 4 मिनट इसको बीट करने से ये होता है कि इसमें जो चीनी होती है अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाती है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ केले जो मैंने मैश करके रखे थे। अच्छा, ये केलों को भी आप अच्छे से मिक्स कर लेना अंदर। केले मिक्स हो गए, अब मैं डालूंगी वनीला एसेंस। अब ये देखें, अच्छी तरह सारी चीजें इसमें मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ये जो मैदे का मिक्सचर बनाया था ये डालती जाऊंगी। तो इसको मिक्स करते जाना साथ साथ, तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये देखें, मेरा केक का पेस्ट तैयार हो गया। तो अब मैं इसे सांचे में डाल रही हूँ। मैं बना रही हूँ गैस वाले ओवन में। उससे पहले मैंने तकरीबन 25 मिनट के लिए इसको ओवन को ऑन कर दिया था 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब मैं उसमें ओवन में रखने जा रही हूँ
देखें 60 मिनट्स हो गए, तो अब इसको चेक करते हैं। ये देखें, इसको नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है ये पक चुका है। तो अब मैं ओवन बंद कर रही हूँ। ये देखें, बहुत ही यम्मी बना है। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। तो जैसे ही ठंडा होगा तो फिर मैं इसकी कटिंग करती हूँ। आपने इसे ये देखें, अंदर से भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, बनाना ब्रेड रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।